गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मोस्ट वेलकम वंस अगेन टू अवर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ रिविजन ऑफ नोटिस। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ नोटिस। नोटिस इज अ शॉर्ट लेटर और अ शॉर्ट कंटेंट दैट कंटेन्स योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समथिंग। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट एस्केप दैट। इसको एस्केप मत कीजिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। जब हम नोटिस को राइट करते हैं तो सबसे पहले टॉप पे हम लिखते हैं स्कूल नेम। एज दे हैव रिटन हियर द सिटी पब्लिक स्कूल, दे हैव रिटन सिटी पब्लिक स्कूल मनाली। ओके, दिस इज द इशूइंग अथॉरिटी और एजेंसी, मीन्स जो स्कूल या संस्था इशू करता है उसका नाम होता है टॉप पे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लिखते हैं नोटिस, वी हैव टू टाइप नोटिस। आफ्टर दैट वी टाइप डेट, एज दे हैव टाइप्ड हियर 12 September 2019, that is date, that is the third point. Fourth point is the catchy headline, catchy headline or heading, जो कि हमें ये बता देता है कि इस letter में, इस notice में क्या content होगा, यानी ये जो हमारा notice है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। ये हमें ये catchy headline देती है, sing and dance in school feast, class 6 to 8, means sorry, क्लास 4 टू 8, क्लास 4 से 8 के लिए कंपटीशन है जहां पर आप सिंग एंड डांस करेंगे, नाचे कूदें, मौज मनाएं। आफ्टर दैट दिस इज द कंटेंट और बॉडी ऑफ द नोटिस। नोटिस का कंटेंट और बॉडी होता है जिसमें हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन को बता देते हैं कि क्या मैटर है। जैसे लाइक एवरी ईयर आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल फेस्ट फ्रॉम द 15th October to 21st October 2019, 15th October से 21st October 2019 तक स्कूल में पिछले सालों की तरह फेस्ट होगा। वेयर देयर विल बी लॉट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, जहां पर बहुत सारा डांस होगा और म्यूजिक होगा। दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू सिंग, वो स्टूडेंट जो गाने में इंटरेस्ट रखते हैं एंड डांस और डांसिंग में, इन दिस इवेंट मे सबमिट देयर नेम्स टू द undersigned by tomorrow. Undersigned means होता है नीचे जिसने अपने सिग्नेचर किए हुए हैं, कि आप सिग्नेचर करने वाले के पास आप उसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। A screening will be done after that. Screening means होता है चेक करना, उसके बाद आपका टेस्ट होगा और जो बेस्ट होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। After that, this is Pranav, class 7th, cultural secretary, junior wing. Now, this is the signature of the issuing person. इशूइंग पर्सन यानी जिसने इस नोटिस को तैयार किया है उस व्यक्ति का सिग्नेचर होता है, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं नेम एंड देन वी राइट डेजिग्नेशन। डू यू अंडरस्टैंड मी? आप लोग अक्सर गलती करते हैं कि पहले आप अपनी पोस्ट लिखते हैं और उसके बाद में फिर आप क्या करते हैं उस पर। तो व्हाट यू डू कि आप लोग पहले अपनी पोस्ट लिखते फिर नाम लिखते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक पहले आप अपना नेम लिखेंगे, आफ्टर दैट यू विल राइट योर पोस्ट। सो इज दैट क्लियर टू यू? और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट योर नोटिस शुड कंटेन सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट सेंटेंसेज, डोंट यूज वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज, डोंट डू डिफिकल्ट वर्ड्स। एक्चुअल द मोटिव इज दैट Your notice should give information in such a language that everybody should be able to understand. Okay? तो बहुत लंबे sentence है, ना ही बहुत लंबा लिखना होता है। Now we are again going to take one more notice that will give you some information. Please note, you are Mr. Mohan Sharma, Secretary of Gangotri Housing Society, Delhi. Draft a notice informing the residents of your society that there will be no water supply for the next 2 days due to some repair work in the water tank. Okay? And तो इस notice के लिए फिर 2 दिन तक supply नहीं होगी, आप लोग अपना इंजाम कर लीजिए। तो कैसे लिखेंगे? How are we going to give them the information? First of all, कौन issue करेगा? Gangotri Housing Society. Then Gangotri Housing Society Delhi. Then notice. Then 9th August 2019, that is the date, that was third thing. Fourth, no water supply for 2 days. ये हो गया catchy heading, आपको catch करने वाला heading हो गया ये। All the residents of Gangotri Housing Society are hereby informed, ध्यान दीजिए,
आर हेयर बाई इन्फॉर्म मीन्स इस नोटिस के माध्यम से इन्फॉर्म किए जाते हैं दैट देयर विल बी नो वाटर सप्लाई फॉर 2 डेज, 2 दिन की सप्लाई नहीं होगी। 10th August 2019 ड्यू टू सम अर्जेंट एंड नेसेसरी रिपेयर वर्क ऑफ द वाटर टैंक। ओके, अब इन्होंने अपनी सारी बात कह दी कि भाई वाटर सप्लाई नहीं होगी और आगे क्या बोलते हैं, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, असुविधा के लिए खेद है। मोहन शर्मा सेक्रेटरी गंगोत्री हाउसिंग सोसाइटी, गंगोत्री हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी की तरफ से नोटिस है। नाउ माय डियर चिल्ड्रेन, आप लोग इस वीडियो को रिपीटेडली देखिए, वॉच इट रिपीटेडली एंड वेन एवर यू हैव अ प्रॉब्लम यू मस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड टेल मी हाउ आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सिंस यू हैव नोन हाउ टू राइट अ नोटिस, क्या फॉर्मेट होता है, ये सबको आप सीख चुके हैं, तो अब हम एक नोटिस की प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोटिस टू द स्टूडेंट्स टू इन्फॉर्म देम अबाउट अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी। यू आर द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, आप स्कूल के हेड गर्ल हैं और आपको एक नोटिस लिखना है। उस नोटिस में आपको बताना है कि एक लेक्चर स्कूल रोड सेफ्टी पे होगा, उसके लिए आपको आना है। अब जैसा हमने फॉर्मेट में सीखा था, सबसे पहले हम लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, उसके बाद में लिखेंगे नोटिस, देन डेट दैट इज 10th February, सॉरी फरवरी तो चली गई है तो अब हम इसको चेंज कर देते हैं। अब डेट कोई भी हो सकती है, आपको वही डेट डालनी है जिस डेट में आप नोटिस लिखेंगे। जिस डेट में आपने नोटिस लिखना है ना, आप उसी डेट में अपने डेट को मैनेज करेंगे। उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी पर लेक्चर है। इसके बाद में हमको क्या करना है, हम स्टार्ट कर देंगे मैटर। क्या है, आवर स्कूल हैज़ इनवाइटेड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी इन आवर स्कूल ऑन 15th July फ्रॉम 10 AM टू 11:30 PM। हमने इसमें अपना मैटर लिख दिया, लेकिन इसमें कुछ कमी है, जानते हैं क्या, हमने ये नहीं लिखा है कि इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल हैज़ इन्वाइटेड। सबसे पहली चीज़ की आपको सूचना देना है कि हमारे स्कूल ने इन्वाइट किया है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, अगर आपको नाम पता होगा तो आप उनका नाम भी लिख देंगे, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक का, टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी इन आर स्कूल। और जो 15th July है, क्योंकि आप जून में स्कूल क्लोज रहेंगे तो जो डेट है हम उसको डेट डाल सकते हैं, आप इसमें कोई भी डेट अपनी मेंशन कर सकते हैं जो भी आपको दी जाएगी, और टाइम आपका जो भी होगा उसको आप चेंज कर देंगे। हमने 10 AM टू 11:30 PM किया है, अब ये बहुत लंबा टाइम हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम कर देते हैं AM, 10 AM से 11:30 AM। तो ये हमारा एक बेसिक टाइम हो गया कि हमने इस डेट में अपने ट्रैफिक के लेक्चर कराना है। जब हमारा ये मैटर हो जाता है, अब हम बच्चों से क्या, स्टूडेंट से क्या कहते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि टू असेंबल इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कि आप सभी बच्चे स्कूल ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम वो जगह होती है जो बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं और लोग गैदर होते हैं, विद योर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, अपने रेस्पेक्टिव मीन्स अपने अपने क्लास के क्लास टीचर साथ में, बिफोर 10 AM, और 10 AM से पहले पहुँच जाएंगे। जब हमारा ये मैटर कम्प्लीट हो गया तो हम लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू के बाद में हम लिखते हैं नेम, जो आपका नेम है, और उसके बाद में नीचे अपना पोस्ट, ध्यान रखिएगा सबसे पहले नेम और फिर पोस्ट होती है, हेड गर्ल है तो हेड गर्ल और हेड बॉय है तो हेड बॉय को मेंशन कर देंगे। ओके, और उसके बाद में लास्ट में आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब एंड लाइक अस। ओके, ये काम ज़रूर कर लीजिए सो दैट आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें, सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।